के मंडप में ही मैंने पूनमिया को अच्छी तरह से पहचान लिया था, जिस तरह से उसने बारात के स्वागत के वक्त मसरिस मांगी थी, तभी मैं जान गई थी कि इस आदमी के इरादे कुछ गहरे हैं। लेकिन बाय द वे, उस मसरिस का हुआ क्या? राघव और प्रिया को तो मैंने नहीं देखा। उसने श्रीचंद जी ने उसे भेज दिया। पारिक अंकल, मैंने आपको पहले ही कहा था कि गाड़ी प्रिया के नाम पर होनी चाहिए। खैर, ये पुराना मसला है। हमने उन्हें जो देना था वो दे दिया, उन्होंने उसे बेचा या फिर अचार डाला, हमें क्या? अचार तो वो हमारी इज्जत का लगा रहे हैं आजकल। अरे अंकल, बाहर जो श्रीचंद पूनमिया हमारे बारे में क्या क्या कह रहा है वो तो पता है ना आपको। आज शाम उसकी पूर्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रिया के शादी के मंडप में ही मैंने पारिक अंकल से कहा था कि मुझे पूनमिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। बाजार जब लड़ाई का मैदान हो जाता है तब जानकारी ही हथियार होती है। मगर तुमने किया क्या? पूनमिया के मार्केट में जितने भी प्रॉमिसरी नोट्स थे वो सारे नोट्स मैं खरीद चुकी हूँ। अगर उसने अपनी जबान बंद नहीं की तो कल सुबह तक मैं उसको मौका दिखवा दूंगी। मुझे कुछ काम था। बोलो रितेश। नहीं दीदी, आपसे नहीं, दरअसल मुझे निरंग भैया से काम था। निरंग भैया, मैं आपकी केबिन में गया तो पता चला कि आप यहाँ हैं। मैं जानता हूँ रितेश, तुम प्रकाश चंद्र जी के बारे में पूछने आए हो, मगर अब तक हमें कोई सुराग नहीं मिला। देखो रितेश, बहुत लोग प्रकाश चंद्र जी को ढूंढने में लगे हुए हैं, जरूर कोई ना कोई उन्हें ढूंढ लेगा। लेकिन दीदी, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी जान को खतरा बढ़ते जा रहा है। मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। यही तो कहने आया था मैं निरंग भैया से। निरंग भैया, जो आदमी इस प्रॉब्लम को हल कर सकता है उसे क्यों नहीं मिलते हैं? दीदी इस बात से दूर रहना चाहती तो ठीक है, तो इसका आप और पारिक अंकल तो। मैं उस एडवोकेट ऋषभ नाहर से नहीं मिलना चाहता। यदि वो इस ऑफिस में आया तो मैं 20 सालों पुरानी नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा।